आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम अपने स्मार्टफोन से काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज करके कुछ इस टाइप का वीडियो एडिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 1686 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है। उस वक्त गद्दी पर बैठे थे औरंगजेब और इस जंग को एक बहुत बड़ी बेवकूफी बताया जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मुगलों की आर्मी के कंपैरिजन में बहुत कमजोर थी, छोटी थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत ही आसानी से मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दी। नमस्कार दोस्तों, साल 1686 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है और उस वक्त गद्दी पे बैठे थे औरंगजेब और इस जंग को बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बताया जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मुगलों के आर्मी के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर थी और बहुत छोटी थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि मुगलों ने बहुत ही आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इंडिया में मौजूद कंपनी की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया और जो गवर्नर थे कंपनी के उस वक्त उन्हें घुटने टेकने पड़े औरंगजेब के सामने। इंडिया में मौजूद कंपनीज की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जो गवर्नर थे उस वक्त कंपनी के उन्हें घुटने टेकने पड़े औरंगजेब के सामने। इसके बावजूद भी करीब 300 सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसे एक फॉरेन कंपनी ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। आज जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी कंपनी से ज्यादा बड़ी बन गई थी और ज्यादा ताकतवर भी। कैसे पॉसिबल हो पाया ये, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, the company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation. इसके बावजूद भी करीब 300 सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस एक फॉरेन कंपनी ने पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। आज इतनी बड़ी से बड़ी कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी कंपनी से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। कैसे पॉसिबल हो पाया ये, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Unfortunately, Britain also stole $45 trillion from India. There is a kind of half-assed liberal idea that while colonialism wasn't great, at least Britain gave India the trains. Deprivations of empire. The fact that Britain came to one of the richest countries in the world in the early 18th century. Empires of Dirt. A show about Europeans getting rich at the expense of everyone else. इस टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है कुछ इस टाइप से ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठ के। नमस्कार दोस्तों, साल 1686 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है और उस वक्त गद्दी पे बैठे थे औरंगजेब। अब आगे की एडिटिंग चली चलते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में, वहाँ पर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो आपने बैकग्राउंड में देखा वीडियो, ये वीडियो मैंने पिक्सा लूप एप्लीकेशन से बना रखा है। इस टाइप की बहुत सारी वीडियो आप बना सकते हैं। देखिए सिंपली आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये 3-4 एप्लीकेशन के नेम हैं, इनसे आप सिंपली इस टाइप की वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद सिंपली जाना है काइन मास्टर एप्लीकेशन में, यहाँ पर क्रिएट न्यू में क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है अपने एस्पेक्टिव से लेके। इसके बाद अपने बैकग्राउंड के लिए आपको अपने बैकग्राउंड के इस वीडियो को ले लेना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली जाना आपको लेयर में, फिर जाना आपको मीडिया में और अपने ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को ले लेना है। इसके बाद सिंपली आपको इसको क्रॉप कर लेना साइड से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है और उसके बाद सिंपली जाना है आपको क्रोमा की पर और इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसके बाद हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि बैकग्राउंड पूरा वाइट ब्लैक हो जाए और बॉडी पूरा वाइट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, साल 1686 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक वीडियो का यूज़ कर रखा है, ये वाली वीडियो का सिंपली ये एक इमेज है, इसमें मैंने कुछ इफेक्ट वगैरह लगा रखे हैं। सिंपली आप पिक्स इसके बाद देखिए, यहाँ पे फायर पावर करके यहाँ पे इफेक्ट है, सिंपली मैंने इनका यूज़ करके इसको बना रखा है। तो स्टार्टिंग में आपको अपनी इस वीडियो को जूम कर लेना है और उसके बाद आपको की बटन का यूज़ करना है और थोड़ी दूर पर ट्रैक करके इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है और उस वक्त गद्दी पे बैठे थे औरंगजेब। इसके बाद जाना लेयर में, फिर जाना टेक्स्ट में और यहाँ पे टेक्स्ट में आपको लिख देना है। इसका फॉन्ट वगैरह यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें सिंपली बैकग्राउंड कलर ले लेना है और इसको यहाँ पे लगा लेना है। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है
और उस वक्त गद्दी पे बैठे थे औरंगजेब। इसके बाद यहाँ से आपको इसको स्प्लिट कर देना है और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में इनका इमेज लगा देना है औरंगजेब का। थे औरंगजेब और इस जंग को बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बताया जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जाना। आपको मीडिया में यहाँ पे आपको जो लड़ाई हो रही थी उस समय कुछ इमेज आपको डाउनलोड कर लेना है और बैकग्राउंड में सिंपली आपको लगा लेना है इसी तरह से। बेवकूफ़ी बताया जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ना आपको लेयर में और यहाँ पे जाना आपको मीडिया में और यहाँ पे देखिए मैंने दो इमेज लगा रखे हैं, ये EIC का है और एक मुगल साम्राज्य का है। तो सिंपली आपको ऐसे लगा लेना है और इसमें आपको इन एनिमेशन लगा लेना है और साथ में साउंड इफेक्ट भी लगा लेंगे वूज वाला, ठीक है। साउंड इफेक्ट सिंपली आपको काइन मास्टर मिल जाता है, वो उस नाम से होता है, उसमें काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मुगलों के आर्मी के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर थी और बहुत छोटी थी। इसके बाद हम इसमें सिंपली क्लिप ग्राफिक्स लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए जो वीडियो फ्लायर करके है इसको मैंने लगा रखा है यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट में आप लिख भी सकते हैं। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मुगलों के आर्मी के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर थी और बहुत छोटी थी। सेम इस प्रकार से इसमें भी हम लगा लेना है कुछ भी क्लिप ग्राफिक्स अच्छा सा कोई सा भी। छोटी थी तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि मुगलों ने बहुत ही आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इंडिया में मौजूद कंपनीज की अब यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ प्लस का आइकन बना हुआ यहाँ पर सिंपली हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगा सकते हैं। है कि मुगलों ने बहुत ही आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इंडिया में मौजूद कंपनीज की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो PNG बना रखा है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्डर जो ऑफिसर लोग थे उनका मैंने PNG इमेज बना रखा है और सिंपली यहाँ पे इसको लगा दिया इनको तीनों को और सिंपली इसको हमें क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना तो अब कैरेक्टर के जो पीछे साइड में चला जाएगा ये। और वैसे सेम हमें इसमें इन एनिमेशन लगा देना है और हमें यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगा लेना है। देखिए यहाँ पे इन एनिमेशन जाना है और इन एनिमेशन लगा लेना तीनों में स्लाइड अप करके, ठीक है, और टाइमिंग थोड़ी कम कर लेना है। फिर जाना आपको लेयर में, फिर जाना मीडिया में और यहाँ पे देखिए मैंने एक जेल का ये PNG बना रखा है, सिंपली इसको लेना है और इसके बाद आपको करेक्टर में जाना है वीडियो में आप लेयर में और इसको मूव टू फ्रंट कर देना है 3 डॉट में क्लिक करके तो आपका जो लेयर है वीडियो लेयर आपका वो फ्रंट साइड में आ जाएगा। और इसमें आपको सिंपली इन एनिमेशन लगा देना है वाइप डाउन। और सेम यहाँ पे भी हमें साउंड इफेक्ट लगा लेना है। ढेर सारे EIC के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जो गवर्नर थे उस वक्त कंपनी के नमस्कार दोस्तों, साल 1686 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल अंपायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है और उस वक्त गद्दी पे बैठे थे औरंगजेब और इस जंग को बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बताया जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मुगलों के आर्मी के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर थी और बहुत छोटी थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि मुगलों ने बहुत ही आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इंडिया में मौजूद कंपनीज की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जो गवर्नर थे उस वक्त कंपनी के उन्हें घुटने टेकने पड़े औरंगजेब के सामने। यहाँ पे जाना मीडिया में आपको देखिए यहाँ पे मैंने ये वाली इमेज का यूज़ कर रखा है और इसमें पेन एंड जून का इफेक्ट लगा रखा है और इसमें भी सिंपली हमें क्लिप ग्राफिक्स लगा देना है। और सेम वहाँ पे भी हमें टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट में हमें लिख देना है
भी करीब 300 सालों इसका जाना मीडिया में। यहाँ पे देखिए EIC का एक हमें PNG लगा रखा है EIC का, और एक लगा रखा है यहाँ पे, और एक टैक्स हमें लिख देना है बस। और यहाँ पे एक टैक्स लिख देंगे 300 ईयर का। इस पर सिंपली आउटलाइन लगा देंगे और शेडो लगा देंगे, और यहाँ से कलर चाहे हो तो इसका चेंज भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको अपनी पूरी वीडियो में एडिट कर लेना है। जहाँ पर आपको टेक्स्ट लगाना है वहाँ पर टेक्स्ट लगा लेना है, और आपको बैकग्राउंड में मीडियम जाके इमेज ले लेना है, और शेडो वगैरह लगा लेना है। बड़ी और ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। हैं एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी कंपनी से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। कैसे पॉसिबल हो पाया ये, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, साल 1686, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल अंपायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है, और उस वक्त गद्दी पर बैठे थे औरंगजेब। और इस जंग को बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बताया जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मुगलों के आर्मी के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर थी और बहुत छोटी थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि मुगलों ने बहुत ही आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इंडिया में मौजूद कंपनीज की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और जो गवर्नर थे उस वक्त कंपनी के, उन्हें घुटने टेकने पड़े औरंगजेब के सामने। इसके बावजूद भी करीब 300 सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस एक फॉरेन कंपनी ने पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। आज इतनी बड़ी से बड़ी कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी कंपनी से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। कैसे पॉसिबल हो पाया ये, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Unfortunately, Britain also stole $45 trillion from India. There is a kind of half-assed liberal idea that while colonialism wasn't great, at least Britain gave India the trains. Depredation of empire. The fact that Britain came to one of the richest countries in the world in the early 18th century. Empires of Dirt, a show about Europeans getting rich at the expense of. वीडियो अगर आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।